Hello, you beautiful people out there. What's up? I hope you all are doing well. And चलिए start करते हैं आज का new vlog. नहीं है ये, it is not a regular vlog. It is just a normal video where I'll be sharing a DIY how you can make a flower pot at home with all the kachra that is there in your house. तो चलिए start करते हैं video को. Final results के लिए video को last तक जरूर देखें. धन्यवाद. गाइस, फ्लावर पॉट बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर के ऐसे कोने पे जाना होगा जहाँ सारा कबाड़ा रखा जाता है कबाड़ी वाले को देने के लिए. वहाँ से आप कोई भी एक अच्छी शेप का बॉक्स उठा लीजिए एंड उसमें कोई बॉटल हो तो वो फेंक दीजिए. तो ये बॉक्स मुझे अच्छा लगा तो मैं ये ले रही हूँ. सो गाइस, उसके बाद है हमारे पास ये ब्रांड न्यू डोरमेट जो मैं यूज़ करने वाली हूँ. इसकी हालत जितनी अच्छी है मैं और अच्छी कर देती हूँ. ये देखिए गाइस, मैंने इसकी हालत और भी ज़्यादा अच्छी कर दी है. अब हम इसे यूज़ करेंगे. सो गाइज, अगर मेरी शक्ल बुरी लग रही है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, अच्छी लग रही है तो नो वरीज. एक फ्लावर पॉट मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ. उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो आप देख लीजिए. बर्तन, पानी, फेविकॉल, एक ब्रश. मेरे पास कोई पेंट ब्रश टाइप नहीं मिल रही थी मुझे तो मैंने टूथब्रश यूज़ कर लिया. लेट्स सी हाउ इट गोज. एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अच्छा जाता है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं. लेट्स गो. फेविकॉल में पानी मिला के आप ये मिश्रण तैयार कर लीजिए. मैंने कुछ ज़्यादा ही पतला कर दिया, इतना नहीं करना है. उसके बाद आप बॉक्स पे पेपर चिपका लीजिए क्योंकि सिंपल प्लास्टिक बॉक्स पे हमारा मटेरियल नहीं पेस्ट होता है. इतना कॉमन सेंस आप में है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मुझे में तो नहीं था. लेट्स सी हाउ इट गोस. होप सो हो जाए ठीक से. सो अभी मैंने इस पे पूरा पेपर लगा दिया है सब जगह. अब इसे सूखने देते हैं, देन इसके ऊपर रस्सी लगा देते हैं. रस्सी लपेट दिए, अभी हम इसे सूखने के लिए रख देते हैं. फाइनली पेपर लगाने के बाद ठीक से चिपक गया है, अदरवाइज प्लास्टिक पे चिपक नहीं रहा था ठीक से. तो अभी ये चिपक गया है, मैं इसे सूखने के लिए रख देती हूँ. फिर देखते हैं इसका क्या करना है आगे. लेट्स सी. आज है नेक्स्ट डे एंड ये सूख चुका है पूरी तरीके से. सूख गया है बट यार पता नहीं क्यों उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा. बट लेट्स सी, फाइनल रिजल्ट्स का वेट करते हैं, ऐसे जज नहीं करते. एंड अभी मेरे पास ये कुछ सूखा हुआ पौधा था, ये शायद तुलसी का पौधा है, तो अभी मैं इस पर पेंट करने वाली हूँ. सो गाइज, अपनी कलाकारी दिखाने के लिए मैंने पेंटिंग कलर्स मंगा लिए हैं जो कि 1000 रुपये के आए हैं. एंड ये पौधे पे अभी मैं कलाकारी आपको करके दिखाती हूँ. ऑल्सो पानी भी यूज़ कर लेते हैं ताकि ज़्यादा कलर वेस्ट ना हो. कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत कंजूस हो गई हूँ. लेट्स सी हाउ इज़ द फाइनल लुक. आई एम सो एक्साइटेड. पता नहीं फाइनल लुक कैसा आएगा बट मज़ा बहुत आता है इस काम में, तो यू कैन डू इट इन योर फ्री टाइम. सो गाइज, अभी हम इस पर पेंट कर रहे हैं, जारी है काम. ये ऊपर का जो पार्ट है इस पर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है पेंट करने में. तो अभी वर्षा मैडम आ गई है मुझे ज्वाइन करने के लिए क्योंकि ये फ्री थी जो कि ये हमेशा रहती है. तो इसे भी मैंने काम पकड़ा दिया है. अब ये भी कलर करने वाली है बाकी टहनियों पे. और मैं अपने पे लगी हुई हूँ, बहुत टाइम लग रहा है यार. ये बच्चा पार्टी आ चुकी है यहाँ पे. हमारा टाइम पास नहीं हो रहा. मेरा कार्य प्रगति पे है, बस थोड़ा सा ही रह गया. और वर्षा का भी. सो गाइस, फाइनली पेंट हो चुका है इस पे. दिस लुकिंग समथिंग लाइक दिस. ये वर्षा ने भी अपना कंप्लीट कर लिया है. तो मैं फिनिशिंग करके देन मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा रहता है इसका फाइनल लुक. लेट्स सी. इस फ्लावर पॉट की शक्ल के साथ साथ मैंने अपनी शक्ल भी सुधार ली है. आई होप हम दोनों अच्छे लग रहे हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. ऑफ फिर अगेन.